माला कोई जरूरी नहीं है कि आप यही शक्तिपीठ पर ही आवे, घर में ही आओ। तो ऐसे लोग भी बताइए, संकल्प लेने वाले कितने लोग हैं? 40 दिन के अनुष्ठान के जो संकल्प लेने जा रहे हैं उनके लिए बताता हूँ, अनुष्ठान की संभव हो तो भूमि शयन करना, पलंग भी है कमरे में तो पलंग को साइड कर देना, नीचे अपना बिस्तर लगा देना। 5 दिन तक कोई, लेकिन उस भाव से नहीं जिस भाव से एक पति पत्नी एक दूसरे के साथ बैठे हैं, इसको ब्रह्मचर्य कहा गया है। तीसरा है अपनी सेवा स्वयं होता है ना कभी कभी, देखो मैं बाहर से आया हूँ थोड़ा सा ये बस नहीं करना, क्योंकि 40 दिन का ये अनुष्ठान बहुत ही शानदार है। 3 अनुशासन बता दिए, 4 अनुशासन है अश्वान भोजन किया था, जौ गाय को खिलाया जाता था और गाय के गोबर से जो अनपचा जौ निकलता था, कर लेते हैं तो आलस आ जाती है, निद्रा देवी से कम भोजन करेंगे और सबका मन पड़े तो 1 वक्त का उपवास और 1 वक्त का भोजन लेंगे। परिचय दे दीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है और आपका पद क्या है? मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है, मैं यहाँ वित्त प्रबंधन ट्रस्टी हूँ और आज बसंत पर्व है, गायत्री परिवार का एक महत्वपूर्ण पर्व होता है। हमारे परम गुरुदेव परम पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा जी का आध्यात्मिक दिवस है और आज के दिन 9 कुंडी यज्ञ गायत्री महायज्ञ हो रहा है और विशाल कन्या भोज हो रहा है। इस अवसर पर जनपद के लगभग
3000 लोगों की उपस्थिति दर्ज हुई है, जिसमें आदरणीय दिनेश सिंह जी, भाई गजाधर सिंह जी, अनीता श्रीवास्तव जी और तमाम बड़े बड़े डॉक्टर्स इस यज्ञ में भागीदारी किए हैं। और इसके साथ साथ आज 21 जोड़ों का 21 बटुकों का उपनयन हुआ है और 5 विवाह संस्कार संपन्न कराए जा रहे हैं और कन्या भोज विशाल रूप से चल रहा है। ये महत्वपूर्ण पर्व गायत्री शक्तिपीठ पर काफ़ी उत्साह से मनाया जाता है और आज की अपार भीड़ आप स्वयं देख सकते हैं कि समाय नहीं समा रही है। लोगों की श्रद्धा जो है अपार रूप से इस गायत्री शक्तिपीठ के ऊपर भरी हुई है। यहाँ मानव निर्माण का कार्य होता है, मानव की संस्कार दिए जाते हैं। यहाँ मंदिर ही नहीं है, ये मनुष्य के निर्माण की प्रयोगशाला है और उसी तारतम्य में परम पूज्य गुरुदेव ने पूरे भारत में शक्तिपीठों की स्थापना किया है और उन्हीं में से एक शक्तिपीठ भी है, सिद्धपीठ है और सभी का दर्शन यहाँ आसानी से सकता है। धन्यवाद।